शंकर, डॉक्टर वीरेंद्र यादव बिक जाए, माने मुख्य अतिथि जी ईद हो जाए, मुख्य अतिथि जी ईद हो जाए, मुख्य अतिथि जी ईद हो जाए। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्य अतिथि जी। सबसे पहले मैं यहाँ पर उपस्थित हमारे सभी गाजीपुर के आदरणीय बुजुर्ग, माताएं बहनें, नौजवान साथी, किसान भाई, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद और आभार प्रकट करना चाहता हूँ। मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ विधायक वीरेंद्र यादव जी को, जिन्होंने अपने पिताजी के इस कार्यक्रम में हम सबको बुलाया है। विधायक वीरेंद्र यादव जी ने यहाँ पर जितने भी मंच पर बैठे हैं, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बलराम यादव जी से लेकर के पूर्व मंत्री ओम प्रकाश जी और बड़ी संख्या में हमारी पार्टी के सभी नेता मौजूद हैं। यहाँ पर ऐसे भी लोग हैं जिन्होंने जीवन भर कैलाश यादव जी के साथ काम किया होगा। यहाँ मंच पर बैठे लोग वो हैं जो जमीन पर भी साथ रहे, सदन में भी साथ रहे और राजनीतिक लड़ाइयों में, आंदोलनों में भी वो साथ रहे हैं। मैं इस कार्यक्रम में जहां पर उनकी प्रतिमा का अनावरण करने में आया हूं, उस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए मैं एक एक नौजवान का, एक एक माताएं बहनों का, यहां पर जितने भी बुजुर्ग बैठे हैं, मैं उन सबका धन्यवाद और आभार प्रकट करना चाहता हूं। वैसे तो हम और आप सब लोग जब वो हमारे बीच नहीं रहे तो हम सब लोग उनके परिवार से मिले हैं, जगह जगह अपनी तरीके से हम लोगों ने उन्हें याद किया है, श्रद्धांजलि देने भी हम लोग पहुंचे हैं। हम और आप में से बहुत सारे ऐसे लोग हैं उनके ना रहने पे जो पारिवारिक कार्यक्रम होते हैं, जो हमारे परंपराओं से जुड़े कार्यक्रम हैं, उनमें भी हम और आप लोग शामिल हुए हैं। ये जीवन का सबसे बड़ा सत्य है और हम आप में से जितने लोग हैं, समय समय पे हम लोगों ने चीजें जानी है, समझी है और पढ़ी है कि जो इस धरती पर आता है उसको जाना होता है, जो इस धरती पर जन्म लेगा उसे एक न एक दिन हमें आपको छोड़ करके जाना है। हम आप लोग जितने लोग हैं, ये सबसे बड़ा कड़वा सच है कि हम लोग जन्म लेकर के और एक न एक दिन जाएंगे। कैलाश जी ने अपने जीवन में बहुत सारे लोगों के सुख दुख में रहे होंगे, समय समय पे आपने उनसे अपनी जो भी समस्या रही होगी कभी न कभी कहा होगा, जो अपने स्तर से वो मदद कर सकते रहे होंगे उन्होंने मदद की होगी, संघर्ष कर करके जमीन से जहां वो खुद आगे बढ़े उन्होंने अपने साथियों को भी आगे बढ़ाया, विधानसभा से लेकर के मंत्री पद तक पहुंचे, जो कुछ उन्होंने जोड़ा बनाया वो समाज के लिए बनाया। मुझे खुशी है कि जब हम लोग मिले थे एक बार पहले भी श्रद्धांजलि के लिए, लेकिन आज जब हम लोग याद कर रहे हैं उनको, तो वो जहां भी होंगे, जहां भी इससे भी देख रहे होंगे, जरूर हमें और आप सब लोगों को आशीर्वाद दे रहे होंगे। हम लोगों ने बहुतों को खोया है। यहां पर मंच पे बैठे लोग, कोई ऐसा नहीं है जिसने अपने परिवार के किसी न किसी सदस्य को कभी न कभी खोया हो।
सामने बैठे लोग हैं, आप भी अगर याद करते होंगे तो हम लोगों ने बहुत दुख खोया है। जब मैं मुख्यमंत्री था मुझे याद है, एक दिन सूचना मिली कि दादा नहीं है, रामकंद दादा जी नहीं रहे। यहां के वो गांधी थे, और जब मैं पहली बार उनसे मिला था और जब आखिरी बार मिला, उनका केवल चिंतन वही था समाजवादी। वो भी हमें छोड़ के चले गए, कैलाश जी छोड़ के चले गए, बहुत सारे हमारे नेता हैं, हमने आपने उन्हें जाते हुए खोते हुए देखा है। अभी कुछ दिन पहले जब नेताजी हमारे बीच नहीं रहे और जिस समय वो बीमार थे, अस्पताल में थे, बहुत सारे लोग मिले आकर के, बहुत से लोगों ने न जाने कितने तरीके से दुआएं की, पूजा पाठ किया। हम लोग उनके साथ थे, बेहतर से बेहतर इलाज, अच्छी से अच्छी दवाइयां, जो कुछ कर सकते थे सब कुछ किया, लेकिन वो हमें छोड़ करके चले गए। लेकिन मैं आज ये कह सकता हूं, जब हम रामकंद दादाजी को याद कर रहे हैं, इस जगह जहां पर प्रतिमा लगी कैलाश जी की, उन्हें याद कर रहे हैं, नेताजी को याद कर रहे हैं, जो कुछ विकास दिया वो अलग चीज है, हमारे दुख सुख में वो शामिल रहे वो अलग बात है, लेकिन मैं ये कह सकता हूं कि सबसे बड़ी विरासत में अगर कोई चीज हमें आपको सबको मिली है तो वो ये समाजवादी आंदोलन, जो सब लोग मिलकर के हम लोग को देके गए। और जब कभी भी हम लोग याद करते होंगे उन्हें, वो जहां भी होंगे, जिस जगह भी रहते रहे होंगे, हमें नहीं पता कि आदमी के जाने के बाद, इंसान के जाने के बाद वो कहां चला जाता है। अलग अलग तरह के लोग जो धर्म से जुड़े हैं, परंपराओं से जुड़े हैं, उनके अपने तरीके हैं, लेकिन हम ये मानते हैं जहां भी होंगे वो हम लोगों को, समाजवादियों को कहीं ना कहीं आशीर्वाद दे रहे होंगे। और जो समाजवादी आंदोलन वो लेकर के आए हैं, उसकी जिम्मेदारी हमारी आपकी बनती है इस आंदोलन को और आगे ले जाने का काम करना है। हम आप जो आज बने खड़े दिखाई दे रहे हैं, अगर वीरेंद्र आज विधायक हैं तो ये अपनी पिताजी का ही अंश है, पिताजी हैं जो इन्हें सब कुछ देखे गए हैं। हम में से बहुत सारे लोग हैं जो अपनी मेहनत से आगे बढ़े हैं, ऐसे भी हमारे साथ हैं जो लोग अपने आने वाली पीढ़ी को देकर के जा रहे हैं। हाँ, जो हमें लाल टोपी मिली है और अगर काली सदरी पहन करके राजनीति कर रहे हैं, मैं इस मौके पर कह सकता हूं नेताजी ने ही हम लोगों को दिया और नेताजी की वजह से ही हम लोग यहां पर खड़े हैं। इसलिए अगर उनके जीवन के बारे में हम लोग याद करेंगे, न जाने कितने स्मरण हैं, न जाने कितनी चीजें हैं, लेकिन मैं कह सकता हूं मैं बहुत कम समय के लिए रहा, जब मैं सरकार में था कैलाश जी मंत्री थे, जो कोई भी बात वो लेकर के आते थे, फैसला लेकर के हम तक आते थे, हमने कभी भी उनके फैसले पर कोई बात नहीं रखी होगी, जो उन्होंने कहा वही हमने स्वीकार कर लिया। वो पंचायती राज मंत्री भी बने, सर्वे करना, कौन सा आरक्षण होगा, क्या होगा, यहां पर हमारे वरिष्ठ नेता आदरणीय बलराम यादव जी भी बैठे हैं, वो जानते होंगे कि कितना मुश्किल काम होता है, कौन सी जगह को क्या बना दें, क्या आरक्षण हो जाए, किस वार्ड को कैसे बना दें, ये जमीनी राजनीति वही जानता है जो जमीन पर रहता है। और मैं समझता हूं कैलाश जी जब थे तो उन्होंने उत्तर प्रदेश में वो भूमिका निभाई कि कहीं भी किसी तरह का कोई प्रश्न नहीं लगा पाया। बहुत सारे उन्होंने काम किए होंगे, सड़कें, पुल या और जगह हम लोगों से मदद लेते रहे होंगे, लेकिन आज मैं देख सकता हूं मैदान भरा दिखाई दे रहा है, लोग सड़कों पे हैं, और कई हमारे साथी तो 11 बजे ही चल दिए होंगे घर से, और पहले चल दिए होंगे, अब तो शाम हो गई। ये बहुत दूर से आए हैं, ये बता रहे 9 बजे ही चलती होते हैं।
तो सोचो जो 9 बजे चला वो आज अभी कितना समय हो गया सोचिए। लेकिन ये गाजीपुर की ऐतिहासिक धरती है, ये समाजवादी धरती है, ये वीरों की धरती है, ये वो धरती है जिसने फौज में लड़ने का जज्बा दिया है। इस धरती से पैदा हुए लोग इतिहास बनाने का काम करते हैं। हम चाहे उस्मान जी को याद कर लें या पाकिस्तान के छक्के छुड़ाने वाले हमीद को याद कर लें, वीर अब्दुल हमीद, ये धरती वो है। और नेताजी के आह्वान पर, समाजवादियों के आह्वान पर यहाँ के लोगों ने हमेशा इतिहास बनाने का काम किया है। इस बार तो हालांकि ये गाजीपुर ने पहली बार नहीं, कई बार पहले भी इतिहास बना चुके हैं। लोग बताते हैं कि चरण सिंह जी के जमाने में जब दूसरे दल का पूरा रुतबा होता था तब भी यहां पर लोग चरण सिंह जी के कहने पर एक एक वोट डाल करके समाजवादी आंदोलन या किसानों की लड़ाई लड़ने वाले के पक्ष में ही वोट डालते थे। जब मैं यहां पर सभाओं में आया था, चुनाव की सभाओं में मैं जब यहां आया था, यहां पर लोग सुनना नहीं चाहते थे, वो इंतजार कर रहे थे कि वोट कब डालने का मौका मिलेगा। मंच रहा होगा, मंच से दूरी खत्म कर दी थी यहां के नौजवानों ने, मुझे याद है। और केवल गाजीपुर में नहीं, उस चुनाव में मैंने गाजीपुर से लेकर के आखिरी आपके शामली से लेकर के उन इलाकों में भी देखा था कि अगर कहीं चुनावी सभा समाजवादियों की थी तो बल्ली और जनता का कोई हिसाब किताब नहीं था, कोई रोक नहीं पाया। आज रिजल्ट कुछ भी आ गया हो, किसी की भी सरकार बन गई हो, किसी की भी सरकार बन गई हो, लेकिन जनता, जनता की सरकार तो केवल समाजवादी बना सकते हैं, दूसरे लोग नहीं बना सकते। जनता के बीच अगर आज भी कोई याद कर रहा है तो वो समाजवादी लोगों की सरकार याद कर रहे हैं। ये सरकार तो कुछ है ही नहीं, सरकार क्या है ये सरकार, सोचो आप, ये कोई सरकार है? अभी दिल्ली की सरकार ने एक फैसला लिया है, हालांकि 14 तारीख जो फरवरी की होती है बड़ी अलग तारीख है, इसको मैं पीढ़ी की दूरियां मानूं, क्योंकि हमारे बुजुर्ग पूछेंगे मैं क्यों 14 तारीख की बात कर रहा हूं। ये जो 14 तारीख को भारतीय जनता पार्टी ने एक नए तरह का फैसला लिया है, हालांकि दिल्ली वालों ने लिया है, लखनऊ वाले पता नहीं मनाएंगे कि नहीं मनाएंगे। फैसला दिल्ली से हुआ है, पत्रकार साथी वो जो चिट्ठी निकली वो सही है कि नकली है? जब मैंने उसको पढ़ा पहली बार कि भारतीय जनता पार्टी के लोग 14 फरवरी को कोई हक दिवस मनाना चाहते हैं, अब मुझे नहीं पता ये अंग्रेजी का शब्द है कि हिंदी का शब्द है। अगर ये अंग्रेजी का शब्द है तो इसका मतलब कुछ और है। अगर कोई कंफ्यूज हो जाएगा हिंदी को लेकर के तो इसका पूरा का पूरा गुड़ गोबर हो जाएगा। कैसे लोग हैं बताओ, ये जो मोबाइल चलाने वाले तो समझ रहे होंगे, पता नहीं ये पता नहीं कौन से प्रेम में कहां उलझे हुए हैं बीजेपी के लोग।
इन्हें मित्रता भी करनी नहीं आती, इन बीजेपी के लोगों को मित्रता भी करनी नहीं आती। और कभी कभी हम और आप लोग अगर डॉक्टर साहब को दिखाने जाएं और डॉक्टर हमारा आपका ब्लड टेस्ट कर लें या कोई जानकारी करें, तो कभी कभी कहते हैं कि आप में इस विटामिन की कमी है। अगर मान लीजिए कोई विटामिन की कमी है तो डॉक्टर साहब आपको उस विटामिन की गोली दे देंगे, दवा दे देंगे, इतने दिन खाइए आप, उसके बाद स्वस्थ हो जाएंगे। और हमारे गांव के लोग जरूर जानते होंगे, अगर हम आंकड़े निकलवाएं पीएससी और सीएससी अस्पताल के, क्योंकि जब मैं गोरखपुर का सरकार में एक सिस्टम लगवाया कि आखिरकार पीएससी और सीएससी में किस लिए लोग आते हैं, तो जब जानकारी मिली तो ये जानकारी मिली कि लोग आखिर अक्सर बहुत छोटी छोटी बीमारी के लेकर के आते हैं, और पीएससी सीएससी में पहुंच करके जो गरीब है गांव वाले वापस नहीं जाते जब तक उन्हें दवा ना मिल जाए। तो हम एक व्यवस्था बनाना चाहते थे, इसलिए वहां कंप्यूटर लगा करके जानकारी हासिल कर रहे थे। तो अगर वहां सबसे ज्यादा लोग आते थे तो लोगों को शिकायत रहती थी कि उन्हें कमजोरी की दवा चाहिए, कमजोर है वो लोग, या बुखार है उन्हें, या विटामिन ए की कमी है, बी की कमी है, सी की कमी है। लेकिन मैं देख रहा हूं भारतीय जनता पार्टी को विटामिन ए बहुत मिल रहा है, इन्हें कमी नहीं है, इन पे विटामिन ओवर हो गई है। और इसलिए मैं कह रहा हूं इनका हिसाब किताब देखोगे तो इन्होंने क्या खेल खेला, सोचिए आप। एक समय नहीं नहीं वो गलत समय रहे, विटामिन ए मतलब जो उद्योगपति हैं, एक समय पर याद होगा आपको इन्होंने पूरा का पूरा पैसा बंद करा दिया और कहा कि नोटबंदी होने के बाद भ्रष्टाचार खत्म हो जाएगा, काला धन वापिस आ जाएगा। वो याद कीजिए वो समाजवादी सरकार थी, और उस समय चुनाव में जहां भी हम लोग जाते थे यही बात कहते थे कि रुपया बंद होने से, रुपया हमारा काला सफेद नहीं होता है, हमारा आपका लेन देन काला सफेद होता है। याद कीजिए किस समय की बात है, और आज कितने साल हो गए, बैंकों में पैसा भर गया, बैंकों में पैसा भरता चला गया, और इन्होंने न जाने कैसी अर्थव्यवस्था बनाई कि कुछ उद्योगपति न जाने कितनी रफ्तार से आगे बढ़ने लगे। और मुझे लगा कि 2024 का जब चुनाव होगा तो बीजेपी कहेगी कि देखो हमारी अर्थव्यवस्था और अर्थनीति ऐसी है कि भारत का उद्योगपति भी दुनिया में नंबर एक हो सकता है। मुझे लगा कि हो सकता है वो उद्योगपति दुनिया का नंबर एक पहुंच जाए, क्योंकि नंबर दो तक पहुंचने तक कोई उसे ज्यादा समय नहीं लगा। सोचो कहां भारत जो गरीब देश है, हमारे अगर आंकड़े हम देखें तो जहां पानी पीने का इंतजाम नहीं, जहां पर अभी भी पढ़ाई अच्छी नहीं, बच्चों को किताबें नहीं मिल पा रही, पर्याप्त हम लोग खाना पीना नहीं खा पा रहे, भ्रष्टाचार जहां चरम सीमा पर है, बेरोजगारी जहां चरम सीमा पर है, महंगाई का ये आलम है, कोई चीज ऐसी नहीं जो सस्ती बची हो, बिजली महंगी, खाद महंगी, डीएपी महंगी, हर चीज महंगी होती चली जा रही। और उसके बाद बताओ हमारे देश का उद्योगपति नंबर दो पर, और हमें लगा कि वो नंबर एक पर पहुंच जाएगा, और जब नंबर एक पर पहुंच जाएगा तो बीजेपी हो सकती है उसी उद्योगपति के नाम पर हमसे आपसे वोट मांगे और लोकसभा का चुनाव लड़े। लेकिन सोचो हिसाब किताब कैसा हुआ, इस बार जो दो नंबर पे था वो पता नहीं कहां पहुंच गया, गाजीपुर में खाता ना खुली, कहां पहुंच गया। मुझे तो ये लगता है
कि जो 7-8 महीने सरकार के बचे हैं कहीं कोई ऐसा हिसाब किताब ना बनाए कि फिर ऊपर आ जाए। सोचिए ये सरकार की कमी है या सरकार का फायदा है, कौन सी विटामिन मिल रही है जो ए भागता जा रहा ऊपर, कोई तो होगी बात। और क्या खोखलापन था कि किसी की एक रिपोर्ट आने के बाद वो 2 नंबर से कहां चला गया। ये जो वैल्यूएशन है, जो आंकड़े हैं, आंकड़े नीचे ऊपर हुए हैं, लेकिन न जाने कितनों ने रुपया खोया है। हम और आप नहीं जानते जिन्होंने रुपया खोया होगा। हम और आप तो अखबार में केवल कुछ संस्थाओं का देख रहे हैं, जो सरकारी संस्थाएं हैं, LIC जिसमें हमारा आपका पैसा है। कोई परिवार ऐसा नहीं होगा या जानकारी में न होगा जिसने LIC में कोई ना कोई किस्त ना दी हो। LIC हमारा आपका, गरीबों का पैसा, वो पैसा लगा दिया उसमें। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का पैसा लग गया और बैंकों का पैसा लग गया। हम ये जानना चाहते बीजेपी के लोगों से, जब सरकार इनकी बनी बनी थी, किसी अधिकारी ने कोई फैसला लिया और उसने इस बिजली विभाग के प्रोविडेंट फंड का पैसा एक प्राइवेट कंपनी में लगा दिया, DHFL में। वो DHFL कंपनी डूब गई। इन बीजेपी के लोगों को दिखाना था कि बहुत ईमानदार सरकार है, उसने उन सभी लोगों को जेल भेज दिया। अगर उत्तर प्रदेश में सरकारी पैसे का इन्वेस्टमेंट अगर प्राइवेट कंपनी में हो करके और अगर प्राइवेट कंपनी डूब जाए तो जेल भेजा जाता है, तो हम बीजेपी के लोगों से जानना चाहते हैं, आज भारत की बैंकों का पैसा और LIC का पैसा डूबा है तो बताओ कौन जेल जाएगा। अगर यूपी में जेल जा सकते हैं तो दिल्ली में जेल क्यों नहीं जा रहे वो लोग। और याद कीजिए आप, यही सरकार के लोग थे जो कहते थे भ्रष्टाचार खत्म हो जाएगा, कहीं लूटपाट नहीं होगी। और आपसे बेहतर कौन जानेगा, ये समाजवादियों की देन है 100 नंबर, उसको 112 कर दिया। पुलिस को लगा कि हमारा भी रेट बढ़ जाना चाहिए। सरकार ने 100 से 112 किया, हमारी ईमानदार पुलिस को लगा कि उनका भी रेट बढ़ गया है। ये है सच्चाई कि नहीं सच्चाई। हमारी आपकी सरकार होती थी, अगर कोई एक बीजेपी एक दिन नहीं बना, 2 दिन नहीं बना, तो ये हमारे अखबार के मित्र भाई लोग, हमारे अखबार के मित्र भाई लिखते थे कि देखिए कितनी नाकाम सरकार है, कितने नाकाम मुख्यमंत्री के फैसला नहीं ले पा रहे हैं DGP बनाने का। और अगर हमने किसी को अपने DGP बना भी दिया, मान लीजिए उसकी काबिलियत के हिसाब से या उसके किसी और काम की वजह से, तो बताओ आरोप क्या लगता था कि ये समाजवादी लोग जात के आधार पर और धर्म के आधार पर फैसला लेते हैं। आज बताओ हमारे पत्रकार साथियों, जुगाड़ के DGP बैठे कि नहीं बैठे। अब मुझे नहीं शब्द है कि सरकारी शब्द क्या होगा उसके लिए, जो परमानेंट ना हो, जिसका तख्ती पे नाम नहीं लिखा जा सकता, तो बताओ वो जुगाड़ का ही तो DGP होगा। न केवल जुगाड़ का DGP है, बल्कि चीफ सेक्रेटरी भी एक बार टर्म बढ़ता है, 2 बार टर्म बढ़ता है, 3 बार टर्म बढ़ेगा। और आपकी सरकार होती थी तो हर एक चीज पर आरोप लग जाते थे। तो सोचिए जो बड़े बड़े उद्योगपति बुलाए जा रहे हैं, MOU साइन हो रहे हैं, हमारे किसान भाइयों नौजवानों घबराना मत, ये MOU कुछ नहीं होते हैं। और मैं आपको सुझाव देता हूं, और अगर न सच निकले तो बताना, अगर आप अच्छा सूट पहन लें
टाई लगा लें और कहीं बीजेपी के दफ्तर के बाहर अगर आप निकल गए तो हो सकता है वो आपसे भी एमओयू करवा लें। एमओयू करने के लिए आपको पैसे की जरूरत नहीं है, ड्राई क्लीन करा हुआ सूट और एक बढ़िया टाई लगा के निकलोगे आप, अगर बीजेपी वालों ने देख लिया तो आपसे भी एमओयू करा लेंगे। हम बीजेपी वालों से जानना चाहते हैं और ये जनता जानना चाहती है, कम से कम पूर्वांचल की जो इंतजार कर रही है कि विकास कब होगा, क्योंकि मुझे याद है यहीं पर बीजेपी के बड़े नेता आए थे और बड़े बड़े भाषण दे गए थे कि 2022 तक आय दोगुनी हो जाएगी। हमारे किसान भाइयों बताओ, किसी की आय दोगुनी हो गई हो तो बता दो। अगर आय दोगुनी हो गई हो तो बताओ, किसी फसल की आपको सही कीमत मिल गई हो तो बताओ। ये जितने बैठे हैं कहीं ना कहीं खेत हैं इन लोगों पर, खेती करने वाले लोग भी हैं यहां सब हैं। बताओ धान में लूट पहले हुई कि नहीं हुई और अब हो रही कि नहीं हो रही, बताओ हर फसल की। तो ये एमओयू कर रहे हैं बड़े बड़े उद्योगपतियों से हमें और आपको धोखा देने के लिए। पहले इन्होंने एक इन्वेस्टर मीट बुलाई थी और उस इन्वेस्टर मीट में बुला करके 5,00,000 करोड़ के एमओयू किए थे इन्होंने, 5,00,000 करोड़, 1-2 करोड़ नहीं, 5,00,000 करोड़ के एमओयू किए थे। और अगर हम पीछे मुड़कर के देखें, हिसाब किताब लगाएं, तो अभी जमीन पर कुछ नहीं उतरा। एक बार डिफेंस एक्सपो किया इन्होंने, दुनिया की बड़ी बड़ी कंपनियां जो असले बनाती हैं, जो बड़े बड़े जो फौज को चाहिए हमारे असले आर्म्स या किसी और तरह की टेक्नोलॉजी चाहिए, उसकी बड़ी डिफेंस एक्सपो किया था। हालांकि गाजीपुर में नहीं कहा उन्होंने कि यहां पर कोई टैंक बनाएंगे या गोला बनाएंगे या मिसाइल बनाएंगे। हमारे गरीब बुंदेलखंड की जनता को कहा कि आप वोट दे दीजिए, हम मिसाइल बना देंगे। वहां की गरीब जनता ने वोट दे दिया, मिसाइल आज तक नहीं बनी वहां पर, मिसाइल नहीं बन पा रही वहां पर। क्या सपना दिखाया मिसाइल बनाने का, और पीछे मुड़कर के देखो तो कहीं जमीन पर कुछ नहीं उतरा। और अब सुना है 20,00,000 करोड़ से ज्यादा के एमओयू साइन हो गए और एक एमओयू पकड़ा गया अमेरिका की एक कंपनी जिसमें यूनिवर्सिटी एक कमरे में भी नहीं चल रही थी, सोचिए, उस पर 2,000 करोड़ का एमओयू करके आ गई ये मंत्री। जब वहां थक गए विदेश जाकर के एमओयू करके, तो प्रदेशों के बड़े बड़े शहरों में गए एमओयू करने, वहां भी थक गए तो फिर जिलों में चले गए। हो सकता है गाजीपुर में भी कहीं ना कहीं उन्होंने मीटिंग की हो एमओयू की उद्योगपतियों की, गाजीपुर में की थी कि नहीं की थी साहू जी बता, वो हमारे विधायक जी बता रहे हैं कि यहां भी एमओयू साइन हुआ। अरे आप भी सूट वूट पहन के जाते, आपका भी एमओयू हो जाता वहां पर। तो सोचिए कहां अमेरिका, कहां इंग्लैंड, कहां यूरोप, कहां ब्राजील, कहां मैक्सिको। अगर ब्राजील जाओगे तो 24 घंटे हवाई जहाज से चलना पड़ेगा। बताओ ब्राजील से कोई यहां आएगा बलियाओ गाजीपुर में इन्वेस्ट करने, कोई लॉर्ड कॉर्नवालिस तो है नहीं जो यहां पर कोई राज चल रहा हो अंग्रेजों का, वो अलग बात है कहां से आए और कहां पर उन्हें आखिरी वक्त गुजारना पड़ा। और कैसे इन्वेस्टमेंट आए वाला आएगा, अभी मैं बलिया के एक व्यापारी परिवार से मिलकर आया हूं, ये नई तरह का व्यापार चला रहे हैं बीजेपी के लोग। इनके यहां बैंकों से नहीं मिल रहा है पैसा, कुछ सूद खो रहे हैं बीजेपी के, पता नहीं कहां से पैसा लेकर के आते हैं, वो बांट रहे हैं लोगों को और इतना बांट रहे हैं, इतना वसूल रहे हैं कि अगर कोई एक बार ले ले तो वो वापस अपने जीवन में नहीं कर सकता, इतना इंटरेस्ट वसूल रहे हैं। और उसका परिणाम ये हुआ, एक नंदलाल गुप्ता ने
कुछ सूदखोरों से पैसा ले लिया अपने कारोबार के लिए, व्यापार के लिए, वो लौटा नहीं पा रहा था। उन सूदखोरों ने इतना डराया धमकाया कि उसे आत्महत्या करनी पड़ गई। और सोचिए आज के समय पर कैसे आत्महत्या की उसने। इन नौजवानों ने देखा भी होगा, फेसबुक पर लाइव कर करके आत्महत्या की। बताओ, इन बीजेपी के लोगों को डूब के मर जाना चाहिए। जो लोग एमओयू कर रहे हैं, जो बड़े बड़े एमओयू कर रहे हैं और सूदखोर व्यापारियों की जान ले रहे हैं। अभी उसके परिवार ने कहा कि बुलडोजर नहीं चला, बुलडोजर नहीं चला उन पर जो सूदखोर थे बीजेपी वाले। मैंने कहा यह सरकार का बुलडोजर नहीं है, यह बीजेपी का बुलडोजर है। यह बीजेपी का बुलडोजर बीजेपी वालों पे नहीं चलता है, ये दूसरों पे चलता है बुलडोजर। और ये जो बुलडोजर की संस्कृति लेकर के आए हैं, याद रखें इस सरकार वाले लोग, अगर बुलडोजर यहां चला है तो बुलडोजर बनना बंद नहीं होंगे। बुलडोजर बनने वाले कारखाने बंद नहीं होने वाले। बताओ हम समाजवादियों के कितने नेताओं को कितना अपमानित किया इन्होंने, झूठे मुकदमे लगे हैं उन पे। और यहां पर जितने कार्यकर्ता नेता होंगे वो महसूस करते होंगे कि इस सरकार में झूठे मुकदमे लगते हैं। अभी आपने देखा होगा कि कुछ दिन पहले कुछ लिखने पर एफआईआर हो गई एक कार्यकर्ता पर, हमें पुलिस हेडक्वार्टर जाना पड़ा। वही पुलिस हेडक्वार्टर जो समाजवादियों ने बनाया। दुनिया में अगर पुलिस हेडक्वार्टर देखेंगे आप, तो आपके भी पुलिस के लिए सबसे बेहतरीन पुलिस हेडक्वार्टर बनवाया, वहां जाना पड़ा क्योंकि कुछ लिख दिया तो उसमें झगड़ा हो गया। बीजेपी वाले कुछ भी लिख सकते हैं, उनके पे कार्रवाई नहीं होगी, एफआईआर नहीं होगी। अगर समाजवादी लोग लिख देंगे तो एफआईआर हो जाएगी। और जात के आधार पर भेदभाव करते हैं ये लोग, धर्म के आधार पर भेदभाव करते हैं ये। जात के आधार पर, धर्म के आधार पर भेदभाव, हमें लोकतंत्र में और संविधान में कहीं ऐसा नहीं है कि जात और धर्म के आधार पर हम भेदभाव करें। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लोग और इनकी सरकार में बैठे लोग लगातार इसी तरह का भेदभाव कर रहे हैं। अभी कुछ सवाल खड़े हो गए, कहीं से सवाल ऐसा खड़ा हुआ जिसका जवाब बीजेपी के पास नहीं है। इसीलिए मैंने कहा कि हम जनता के सामने नहीं सवाल करेंगे बीजेपी से, हम सदन में जाकर के पूछेंगे उनसे। हमारा और आपका परिवारवाद तो दिखता है, लेकिन उन्हें अपना परिवारवाद नहीं दिखाई देता है, उन्हें अपना परिवारवाद नहीं दिखाई दे रहा है। और इनके जो फैसले हैं, इनकी आप कल्पना नहीं कर सकते। यही पूर्वांचल के लिए कहते थे एक्सप्रेसवे के लिए कि ये भ्रष्टाचार वाला पूर्वांचल एक्सप्रेसवे है, याद है कि नहीं याद है। इस हाईवे को कहते थे ये समाजवादियों ने इसमें लूट की है। अरे कभी लूट देखनी हो तो बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे की देख लेना, क्या लूट हुई है वहां पर। प्रधानमंत्री जी ने उद्घाटन किया, इंद्रदेव ने बारिश कर दी, गड्ढे गड्ढे हो गए, पूरा एक्सप्रेसवे बह गया। बुंदेलखंड का एक्सप्रेसवे, इसकी जो कीमत है उससे ज्यादा कीमत लगा दी वहां पर। हमें दुख है इस बात का। अभी मैं जाते हुए देखता हुआ गया और आते हुए देखता आया हूं, हमारे पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर कोई ज्यादा ट्रैफिक नहीं दिखाई दे रहा, गाड़ियां नहीं चल पा रही हैं, और उतने भी लोग नहीं चल पा रहे जितने समाजवादी लोग रथ के समय चल लिए थे उसमें। मुझे याद है जब हम लोगों ने शुरुआत की थी इसी हैदरिया और पखनपुरा के पास, जहां पर ये हाईवे खत्म हो जाता है। बताओ अगर एक इंच भी बीजेपी ने आगे बढ़ाया हो तो बता दो आप, अगर एक इंच बढ़ाओ तो बताओ आप उसके आगे। मैंने उस समय जिलाधिकारी से पूछा एक दिन कि बताओ ये हैदरिया पखनपुरा से आगे जा रहा है कि नहीं जा रहा एक्सप्रेसवे। बोले हमें पता ही नहीं है, सरकार को सोच ही नहीं रही,
और ये इसलिए मैंने छोड़ दिया था, मैंने कई बार प्रेस में कहा, सदन में कहा, और मैं आज फिर कहता हूं, मैंने इसलिए छोड़ दिया था क्योंकि ये एनओसी नहीं देते हमें। अगर हम इस सड़क को और आगे बढ़ा करके ले जाते तो एनएचआई का यह कानून है कि 10-15 किलोमीटर के अंदर कोई टोल सड़क नहीं बन सकती। इसलिए मैं जानता था कि ये एनओसी नहीं देंगे, और अगर एनओसी नहीं देते तो शायद ये एक्सप्रेसवे नहीं बन पाता। इसलिए मैंने 15-20 किलोमीटर छोड़ दिया आगे, नहीं जोड़ा जा करके, और उसके कारण ये सड़क बनकर के तैयार हो गई। और ये सड़क इसलिए बना रहे थे, ये केवल चलने के लिए नहीं थी, शहर को जोड़ने के लिए नहीं थी, इसके आसपास हम मंडी बनाना चाहते थे। आप हमारा घोषणा पत्र उठा करके देखिए, इसके आसपास मंडी बन रही थी, और इसके आसपास हम अपने नौजवानों के लिए ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट बनाते, एक साल की ट्रेनिंग पाते और कहीं ना कहीं उन्हें रोजगार या नौकरी मिल जाती। हमारा अधूरा सपना वही रह गया, हम लोग नहीं बना पाए। लेकिन दुर्भाग्य देखो, जिन्हें सरकार में मौका मिल गया, एक बार नहीं दूसरी बार वो नहीं बना रहे, उस सड़क को आगे नहीं ले जा रहे हैं, आगे नहीं ले जा रहे हैं। और मैं आज इस मंच से खड़ा होकर कह सकता हूं, अगर समाजवादियों ने वो सड़क न बनाई होती ऐसी, तो शायद देश के प्रधानमंत्री उस सड़क पर कभी अपना हवाई जहाज नहीं उतार सकते थे। अगर किसी कारण उनका हवाई जहाज उतरा है तो वो समाजवादियों की देन है और समाजवादियों की सोच है, इसी वजह से हवाई जहाज सड़क पर उतर गया था। ये सड़क केवल जोड़ने के लिए नहीं थी, अपने गरीब किसानों को खुशहाली के लिए थी, और किसी ने सड़क नहीं मांगी थी। इस सड़क को हम लोग सबसे बेहतरीन बना रहे थे, हमारे बाबा मुख्यमंत्री इसका डिवाइडर छोटा कर दिए। ये डिवाइडर 10 मीटर 12 मीटर होना था, ये डिवाइडर कम कर दिया। और बीजेपी का सबसे प्रिय काम शौचालय बनाना वाला, हालांकि यहां तो सब जगह नाम लिख दिया, लेकिन इसके आगे जुड़ने वाली जो सड़क है आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे, आप देख लो, ये उद्घाटन किया था, हमारे मंत्री लोग बैठे हैं, उस समय ये लोग मंत्री थे। उद्घाटन जब हुआ तो अब आप लखनऊ से लेकर के आगरा देख लो, कहीं आपका नाम नहीं दिखाई दे रहा, ना नेताजी का नाम है। हम लोगों ने उद्घाटन करके नाम नहीं लिखा, नाम नहीं लिखा हम लोगों ने, लेकिन बीजेपी की सरकार आई तो जहां शौचालय के लिए उतरते वहां बीजेपी ने अपना नाम लिख लिया। ये सड़क बन जाती, मंडियां बन जाती, ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट बन जाती, तो हमारे लोगों को कुछ आगे बढ़ने का मौका मिल जाता। बताओ, ये अग्निवीर जैसी व्यवस्था हम नौजवान साथियों आपसे कह करके जा रहे हैं, ये अग्निवीर वाली व्यवस्था हमारे देश की सीमा की रक्षा नहीं कर सकती। मैंने उस समय भी कहा और फिर कहता हूं, मैं ये आधी अधूरी नौकरी हमारे नौजवानों का मनोबल नहीं बढ़ा सकती। ये आधी अधूरी नौकरी, 4 साल जाइए आउटसोर्स की तरह, आप जाओ वहां पर, जब तक ये बंदूक चलाना सीखेंगे तब तक ये घर वापस आ जाएंगे। आजकल जो मशीनें हैं, जो टैंक हैं, आप में से कुछ लोग रिटायर होकर के आए होंगे फौज से, एक टैंक को चलाने में 8-10 साल लगते हैं, 10 साल में सीख पाता है टैंक चलाना। कई मशीनें आ गई, टेक्नोलॉजी है, उनको सीखने में टाइम लगता है। आज मॉडर्न हो रही है फौज, और ये बताओ ऐसी नौकरी भर्ती कर दे रहे हैं। हम लोग कभी इसको स्वीकार नहीं कर सकते हैं। हो सकता है आज हमारी ताकत नहीं है, आज हमारे सांसद नहीं ज्यादा हैं, अगर कल सांसद होंगे या कभी मौका मिलेगा तो ये आधी अधूरी नौकरी अग्निवीर जैसी नहीं चलेगी, परमानेंट नौकरी होगी। क्योंकि हमारा नौजवान वर्दी पहन करके देश की रक्षा करना चाहता है। ये जो हमारे पड़ोसी देश हैं, हमारे जो पड़ोसी देश हैं, कोई बात नहीं आने दो, कोई बात नहीं, जो पड़ोसी देश है, नहीं कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, जो हमारा पड़ोस, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, हमारा जो पड़ोसी देश है उससे खतरा बहुत बड़ा है।
मामूली खतरा नहीं है, ये सरकार स्वीकार नहीं कर पा रही है। आज क्यों आपको चीन का खतरा है? पहले लोहिया जी ने कहा, लोहिया जी कहते थे पाकिस्तान से ज्यादा हमें खतरा चीन से है। वही नेताजी कहते थे, अगर आपको याद हो, बाद में मिला देना, इसको मिला देना भाई, आपको याद होगा, आपको याद होगा कि डॉक्टर रामनोर लोहिया कहते थे ये चीन से हमें बड़ा खतरा है। नेताजी ने भी यही कहा, हमें चीन से खतरा है। आज अगर आप देख रहे होंगे, जहां पर सीमाएं हैं, हमारी सीमाओं पर कब्जा कर रहा है, और चीन एक तरह से नहीं हमला कर रहा है, सीमाओं पे तो कर ही रहा है हमें, हमारे पे हमला, दूसरा हमारा बाजार कब्जा कर लिया। सोचो, सीमाएं सुरक्षित नहीं चीन से, और हमारा बाजार भी कब्जा कर लिया उन्होंने, बाजार भी कब्जा कर लिया, तो दो तरीके से हमें नुकसान पहुंचा रहा है। इसलिए हमें सावधान रहना पड़ेगा, और सावधान इसलिए रहना पड़ेगा, देश की अगर कोई व्यवस्था सुधार सकता है, समाज को कोई नई दिशा दे सकता है, तो वही समाजवादी लोग हैं जो दिशा दे सकते हैं। ये जो एक्सप्रेस वे बने, मुझे खुशी है इस बात की, आपका दिल्ली से चल करके ये एक्सप्रेस वे जो बनकर के आया है, इसी की नकल बीजेपी के लोग कर रहे हैं। जो नए उनके एक्सप्रेस वे बन रहे हैं, इसी डिजाइन की नकल कर रहे हैं, इसी एक्सप्रेसवे की जो डिजाइन है वैसी की नकल कर रहे हैं। और हम समाजवादियों ने न जाने कितना काम करके दिखाया, इसलिए हम इस मौके पर, जहां पर अपने नेता कैलाश जी को याद कर रहे हैं, कैलाश यादव जी को, जहां हमारे बहुत सारे नेता जिनको हमने खोया है, चाहे वो रामकरण दादाजी हो, नेताजी रहे, इन लोगों ने हम लोगों को बहुत आगे का बढ़ने का रास्ता दिया, हम लोगों को एक ऐसा रास्ता दिखाया, हम लोगों को जिस रास्ते से हमारा किसान और गांव में रहने वाला खुशहाल होगा, हमारा बुनकर भाई खुशहाल होगा। न केवल हमारा किसान दुखी है, नौजवान दुखी है, बल्कि बुनकर भाई भी हमारे दुखी है। इन सब के साथ न जाने कौन सा खिलवाड़ ये सरकार कर रही है। अगर कुछ लोगों का पैसा बढ़ रहा है, तो हमारे किसान की आमदनी क्यों नहीं बढ़ रही? अगर कुछ कारोबार और दुनिया में आगे बढ़ते चले जा रहे हैं, तो हमारे बुनकर के हाथ में क्यों नहीं चीजें आ रही हैं? हमारा नौजवान क्यों खाली हाथ है? अगर 20 लाख करोड़ के एमओयू लखनऊ में हो रहे हैं, अगर यहां के मंत्री विदेश गए, घूम घूम कर गए देश, और वो एमओयू कर करके पैसा लगवाना चाहते हैं, तो हमारा नौजवान बेरोजगार क्यों है? हम उसके हाथ में काम क्यों नहीं है? ये लड़ाई बहुत बड़ी है, क्योंकि उन्हें गांव देहात और गरीब से कोई परवाह नहीं है। अगर गांव की तरफ उन्हें परवाह होती, तो हमारे किसानों की पैदावार की सही कीमत मिल रही होती। हमारे नौजवान जो गांव में है, भाग रहे हैं, दौड़ रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, उनको ऐसी टेम्परेरी नौकरी नहीं देते, परमानेंट नौकरियां देते इनको। और जहां तक सवाल हमारी गिनती का है, ये कई लोग बार हम लोगों पर आरोप लगाते हैं कि ये समाजवादी लोग भेदभाव करते हैं, किसी का हक छीन लेते हैं। मैं आपसे कहना चाहता हूं, इस समाजवादी पार्टी का आंदोलन जाति जनगणना का और तेजी से बढ़ेगा, और हम लोग गांव गांव जाएंगे, अपने लोगों को समझाएंगे। क्योंकि जब सबकी गिनती हो सकती है, तो हमारी आपकी गिनती क्यों ना हो? और फिर हमें आरक्षण में भेदभाव हम लोगों के साथ, आबादी में हम ज्यादा, गिनती में है ही नहीं हम कहीं। अगर चीजें बदल सकती हैं, बड़े बड़े फैसले अगर सरकार कहती है कि हमने इतने सालों में लेके दिखा दिए, अगर उन्होंने कुछ फैसले लेकर के दिखाए हैं, याद कीजिए, हमने हर सभा में कई बार कहा कि समाजवादियों को मौका मिल जाएगा तो 3 महीने के अंदर जाति जनगणना करके दिखा देंगे। हम सरकार में नहीं आए, लेकिन देखो आपके पड़ोस में बिहार में जाति जनगणना शुरू हो गई कि नहीं हो गई? अगर बिहार कर सकता है जाति जनगणना, तो यूपी तो बहुत आगे है। समाजवादी होते तो आज जाति जनगणना उत्तर प्रदेश में हो रही होती, कोई रोक नहीं सकता था। सरकारी नौकरियां खत्म, सब बेच दे रहे हैं, सब कुछ बेच दे रहे हैं। अभी एक मुख्यमंत्री जी के साथ हम लोग कार्यक्रम में गए थे तेलंगाना,
वहां के मुख्यमंत्री केसीआर साहब ने हम सबको बुलाया था। उस सभा में एक मुख्यमंत्री ने बड़ी अच्छी बात कही, उन्होंने कहा कि ये रेल ट्रेन LIC सरकारी संस्थान सब बेच रहे हैं, एक एक करके बेच दिया, पानी का जहाज बोट बेच दिया, रेलवे बेच दी, हवाई जहाज बेच दिए, हवाई जहाज के अड्डे बेच दिए, LIC बेच दी, बैंक बेच दी, लेकिन एक चीज खरीद ली इन्होंने, मीडिया। सब बेच दिया लेकिन एक चीज, ये नेताजी के क्षेत्र में मैनपुरी में भी चुनाव हराना चाहते थे, पहले इन्होंने अधिकारियों की सेटिंग की, फिर इन्होंने पुलिस की सेटिंग की, पुलिस की सेटिंग की, अधिकारी की सेटिंग की, और फिर इन्होंने ये भी तय किया कि कौन पुलिस वाला जाएगा कौन नहीं जाएगा वहां पर, और जनता को भी लालच दिया सोचो। लेकिन मैं, मुझे खुशी है इस बात की, जितने भी हमारे मंच पर नेता बैठे हैं और बहुत सारे साथी यहां से गए थे, गाजीपुर से, आजमगढ़ से, बनारस से, बलिया से, वो लोग गांव गांव बैठ करके उन्होंने समझा दिया और परिणाम ऐसा निकला कि बीजेपी का पता नहीं लगा वहां पर बीजेपी कहां पहुंच गई। इसलिए जहां आपने ऐतिहासिक परिणाम दिया है, ये विकास नहीं कराएंगे, ये हमारा आपको विनाश की तरफ लेके जाएंगे। ये जो बजट है इनका, ये जो बजट आया दिल्ली वाला, ये विदाई बजट है, इसके बाद कोई बजट नहीं ला पाएंगे ये लोग, विदाई बजट है। और मित्र को बचाने में लगे हुए हैं मित्र लोग, और सच्चाई भी यही है कि मित्र की पहचान बुरे वक्त में होती है। अगर मित्र डूबा है तो हम लोग देखेंगे मित्र बचा पा रहे हैं कि नहीं बचा पा रहे हैं। ये बात तो समझ गए होगे ना आप। और कुछ लोगों की बात नहीं मानना, कुछ लोग कभी इधर होंगे तो कभी उधर होंगे, उनकी बात मत मानना, और उनकी बात आधी अधूरी है। मैंने, याद होगा जब मैं आया था चुनाव में, तब भी मैंने गाना पूरा करके दिखाया था। एक कोई थे वो कहते थे कि चल चल सन्यासी मंदिर में, क्या था, चल सन्यासी मंदिर में, चल सन्यासी मंदिर में। हम लोग इतना ही सोच के उनको समझ लिए कि जड़े बड़े अच्छा गाना है, लेकिन कभी इसकी दूसरी लाइन समझ लेना, पढ़ लेना क्या लाइन है दूसरी इसकी, क्या चल सन्यासी मंदिर में तुम्हारा कुछ हमारा कुछ बजेगा दोनों का। क्योंकि हम गाने में तेज नहीं है, उतना गाना वाना नहीं गा सकते, लेकिन सुना है उसमें दूसरी लाइन ये कि कंगना बजेगा शायद। बताओ रात में कंगना बजा रहे हैं दूसरी ताल में जाकर के। ये जो नाम बदलने वाले हैं, हमें खुशी है कि हमारे मंच पे भी ओम प्रकाश जी हैं। ये नाम बदलने वाले अगर हैं तो ओम प्रकाश नाम ही रख दो जिले का। ये जो नाम बदलने वाले प्रस्ताव दे रहे हैं तो ओम प्रकाश नाम ही रख लो, तो कम से कम हमारे पास तो है एक नाम। इसे इनके चक्कर में मत पड़ो, ये गरीबों को धोखा देने वाले लोग हैं, ये पॉलिटिक्स में बिजनेसमैन हो गए हैं, बिजनेसमैन, ये राजनीति को बिजनेस समझ रहे हैं। हम समाजवादी लोगों ने भरोसा किया है, और जो कुछ कर सकते थे त्याग, गठबंधन बनाने में हम लोगों ने त्याग कर करके ही गठबंधन बनाने का काम किया था। लेकिन अब आने वाले समय में समाजवादी पार्टी कहीं गठबंधन करने नहीं जा रही, अपनी अकेली ताकत पर साइकिल पर सवार होकर के चलेगी, और जो साथी साथ हैं उन्हें लेके चलेंगे बस, कोई नया गठबंधन नहीं, कोई राजनीति में एक्सपेरिमेंट नहीं। अब केवल अपने किसान और नौजवानों पर भरोसा करके और बुनकर भाइयों पर भरोसा कर करके अगले चुनाव में साइकिल ही साइकिल लड़ने वाली है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने सभी बुजुर्गों का और किसान भाइयों का बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं, बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं, बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। जहां आज हम अपने पार्टी के नेता श्री कैलाश यादव जी को याद कर रहे हैं, वहीं हमें जानकारी और आप सबने देखा कि गाजीपुर के ही नौजवान कासिमाबाद के जो जहाज गिरा था,
जो जहाज का एक्सीडेंट हुआ तो उसमें जान चली गई थी, जो चार बच्चों की जान गई थी यहां से घूमने निकले थे, हम उनके दुख में भी शामिल हैं। इस मौके पर हम श्रद्धांजलि देते हैं और ये भी भगवान से प्रार्थना करते हैं कि नौजवान बच्चे जिन्होंने खोए, उनके परिवार को इस दुख सहने की शक्ति दें और जो कुछ सहयोग मदद हो सकती है उन परिवारों की, गरीब परिवारों की, हम लोग उनके दुख में खड़े हैं, उनके साथ खड़े हैं। इन्हीं शब्दों के साथ अपने गाजीपुर के सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं और अपने संचालन कर रहे डॉक्टर रमा शंकर राजभर जी का बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि जितना हमारी जनता बैठी रही सुबह से, जो सुबह से चल करके आए थे इधर, बहुत दिनों बाद मिले हम और आप लोग, चुनाव के बाद मिल पाए हैं, इसलिए धन्यवाद। लेकिन जो एक्सप्रेस वे बनाया है उससे तो कम से कम कुछ दूरी और समय बच रहा है हम लोगों का मिलने का, इसलिए लगातार हम लोग आपके बीच में आते रहेंगे और इसी विश्वास और भरोसे के साथ कि जिस तरीके से आपने हमारी इस चुनाव में मदद की थी, हमेशा आने वाले समय में हम लोगों की समाजवादी आंदोलन को मजबूत कर देना, यही कैलाश यादव जी को सबसे बड़ी श्रद्धांजलि होगी। इन्हीं शब्दों के साथ आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद और वीरेन जी को और उनके सहयोगी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद, बच्चों का बहुत बहुत धन्यवाद जो बहुत देर तक स्कूल कॉलेज में बने रहे, बहुत बहुत बधाई आपको एक ऐतिहासिक कार्यक्रम के लिए। मैं इस बेटी को बधाई देता हूं, मैं इस बेटी गुंजन कुमारी को बधाई देता हूं जो अभी हाल में ही 19,000 फीट पर जो पीक है उस पर चढ़कर के आई हैं। मैं इनको गरीब परिवार से निकल करके ये जो इतनी ऊंचाई चढ़ी है मुझे बधाई देता हूं, मुझे शुभकामनाएं देता हूं कि आने वाले समय में जितनी भी ऊंचाई की चोटियां हैं सबको ये चढ़ लें, सबको पार कर लें, बहुत बहुत बधाई इनको। और इस उम्र के बच्चे शायद उस ऊंचाई पे जाने की सोच भी नहीं सकते, इनकी उम्र अभी 16 साल हुई है और 19,000 फीट की पहाड़ियां उस चोटी तक पहुंची है। मैं इनको बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं।